फोन में आ रहा चौ सर जी पंचम अरे हाँ वही सुन शादी मेरी बेटी की हो रही है अमूल अटका तू ऐसे बैठा जाते है दहेज का स्कूटर तुझे ही देना है नहीं नहीं सर जी ऐसी कोई बात नहीं हम ठीक है हाँ तो शक्ल ठीक कर ले अपनी वरना ऐसा लग रहा है यहाँ पे लहंगे नहीं बल्कि क्रियाक्रम का सामान बिकता है सर जी आप एक बात पूछनी थी अरे एक बात पूछ के तेरा पेट भर जाएगा अब मुंह खोला तो दो चार ही पूछ ले चल पूछ वो कल हम समाचार सुन रहे थे विदेश में ना देशियों के साथ बड़ी बदसलूकी की जाती है सेठ जी अब आप ही देख लो जो आदर प्रणाम इज्जत सत्कार यहाँ है वहां कहाँ सेठ जी तेरे जैसों के साथ होता होगा ऐसा तुझे तो अपने कमरे में भी इज्जत ना मिलती है तुझे विदेश जाने की क्या जरूरत है नहीं नहीं सेठ जी अब दूसरों के देश में तो यही होगा ना सेठ जी बल्कि हमने तो ये भी सुना है कि वहां पे छोटी छोटी बात पर पीटने पिटाने पर आ जाते हैं हाँ सेठ जी अपने यहाँ का देख लीजिए कितना अच्छा है यहाँ आपकी कितनी इज्जत है इलायची जी की कितनी इज्जत है कौन थे कोई होगी पुरानी दुश्मनी भाई दारू ना दिल का दर्द बाहर निकाल दिए यार ठीक वैसे जैसे हैंडपंप से पानी निकलता है ना दारू अंदर और दर्द बाहर अब देखिए जो भी हुआ ना इसका सबका जिम्मेदार तू है अबे जब इलायची जी पूछते थे कि जीजाजी छत पे हैं तो तू क्यों नहीं बोलता था कि जीजाजी छत पे हैं तुम्हारे इंतजार में हैं यार पिंटू अब तो कोई हमें पूछने वाला भी नहीं होगा जीजा जी छत पर है जीजा जी छत पर है जीजा जी छत पर है और आपके बुखार में नहीं नहीं आपके समाचार में नहीं आपके क्या था वो क्या हुआ चीजा जी आप रो क्यों रहे हैं नीलू ऐसे नहीं लग रहा जैसे चीजा जी का प्यार उनसे दूर जा रहा है पिंटू भाभी आप क्यों जा रही चीजा जी को छोड़ के लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है इसमें शराब पीने की क्या जरूरत है देखो ना चीजा जी की हालत देखो यार अरे मैं कहा इस मजनू को छोड़ के जाऊंगा इलायची जी क्या पता कब छत से कूद जाए साला जी मैं कह रही थी ना कि पता नहीं क्या हो गया गुग्गू को बस तब से ऐसे ही शोक सभा लगाए बैठे हमें भी कुछ नहीं बता रहे रो ही जा रहे पिंटू भाभी साथ वाली सेल्फी ले लो जीजा जी आप मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है आप रो क्यों रहे हैं अब देखो जो दिल में है ना साफ साफ बोल दो हिम्मत करके मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ चलो बोलो 1 2 3 स्टार्ट जी हाय 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 कम ऑन जीजा जी कम ऑन यू कैन डू इट हाय अरे IJKL पूरी एबीसीडी सुनाएगा क्या यार मुद्दे की बात बोलना भाई शट अप
समझ गए जी। अरे भाई सूखी गटक गया। I love किसको? बताइए दीदा जी। Hi love सर जी। हाँ खुश रहो खुश रहो। आओ आओ तुम लोग भी मुंह मीठा कर लो। हाँ हाँ अरे बैठो 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 बैठो। मैं क्या कर रही थी आंटी जी, ये कर रही ना जैसे आपने खीर की बताई ना, तब से हमने ना कुछ ना खाओ, एकदम पेट खाली है। हमने सोची अब नीचे जाके अच्छे से ठूसेंगे। ठूसूंगी मतलब हम कह रहे थे कि खीर ना हमको बहुत पसंद है, तो हमने ना अपना पेट जो है खाली खाली रखो। अच्छी बात है। मैं मैसेज बन जाऊं, इलायची का रिश्ता तय हो गया है, अब तो रोजाना कुछ ना कुछ पकवान तो बनते ही रहेंगे। हाँ। देख ले पैरी पोना जी, पैरी पोना मामा जी, पैरी पोना अंकल जी। अंकल जी पापा जी, पापा जी। हाँ सॉरी पापा। हाँ ओके बेटा। अरे आओ बेटा, देखो ये खीर मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है, खाओ ना। बैठो बेटा बैठो बैठो बैठो। अबे उठ ना, मेहमान सामने खड़े बैठा हुआ है, देख रहे हैं मुझे। आओ बेटा आओ, बैठो बेटा। थैंक यू पापा जी। पापा जी पापा जी। खाओ खाओ लो। मैं क्या कह रहा था बेटा, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम अपने पापा को यहाँ बुला लो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों परिवार एक साथ मिल लेंगे और आगे की बातचीत भी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पापा से बात हुई थी। हाँ तो अभी रास्ते में, रात को उनकी फ्लाइट लैंड करेगी, और जैसे उनकी फ्लाइट लैंड करेगी ना तो मैं अपने उस पापा को अपने इस पापा से मिलाने के लिए ले आऊंगा। इस पापा से। भाई ये ब्लडी ने नए पापा कहां से बना लिए? इसके पापा तो आगरा में जो बाढ़ आई थी ना उसमें बह गए थे। भाई वही तो समझ में नहीं आ रहा, टेम्परेरी सिस्टम भी नहीं आया ऊपर से नीचे आने का, साला कुछ तो गड़बड़ है। बहुत घटिया आदमी है ये, बहुत बड़ा वाला है। हाँ यार कितना झूठ बोलता है यार। इलू जब से तेरी शादी की बात चली है तुझे नहीं लगता हमारे क्यूट थे दीदी एकदम रोमियो बने घूम रहे? शक्ल देखी उनकी यार, मैं तो डरी गई थी कि मेरे सामने आके रोने ना लग जाए। यार सुनो समझ ले कि उनकी आशिकी का टेस्ट है, देखते हैं फेल होते हैं पास। अरे तड़पने दे थोड़ा मजनू को। इलो तड़पने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे पिंडो भाभी यार मैं सुनो आपके पास ही आने लगे यार, क्या टाइमिंग है यार ओके। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे संगीत में ना तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस दे, डांस करें, और मेरे संगीत में आप ना वो डांस गर्ल बन के आएंगी ना तो मतलब 100 वाट की चमक आ जाएगी मेरे संगीत में, वाओ। मेरे दोस्त की जिंदगी में तो 100 वाट का अंधेरा हो रखा है। मेरा मतलब मैं कह रही थी ना कि आप ना इस घर की रोशनी हो, अब जब आप चली जाओगी तो ना ये घर सूना सूना हो जाएगा, यहाँ सब
अंधेरा कुप हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे लेकिन पिंटू भाभी, लड़कियां तो होती है पराया धन है ना, अब थोड़ा ना जिंदगी भर उन्हें तिजोरी में बंद करके रखेंगे। बिल्कुल सही बोल रही सुनो, और अभी तो मेरा नंबर है, इसके बाद तो सुन्नू की शादी होनी है। So sweet. पिंटू भाभी, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लगा ना जैसे बिजली की तार पे हमारा पैर गिर गया, करंट से लग गया। हाय भगवान करे ऐसी तार पे ना आपका पैर रोज ही गिरे पिंटू भाभी। Anyway, सबसे मजे की बात ये है, बहुत अच्छा लड़का मिला जिससे मैं शादी करा ली, मेरा टू बी पति, कितना मजा आएगा नहीं। इलायची जी एक बात कहें, जो कहा ना कि आपस दारिक मामला इसलिए समझा रहे, हम ये कह रहे कि जस्सी ना आपके कतई लायक ना है, सही बता रहे हैं? अरे आप जहाँ दसी एक मिनट, मुझे पता है टेप रिकॉर्डिंग किसने आपके मुंह में घुसेड़ी है। अरे जी जी का बस नहीं चला तो आपको भेजते मेरी शादी तोड़वाने के लिए, नहीं प्रॉब्लम क्या, नहीं क्या इशू क्या उनके लाइफ में यार। अरे ना ना इलायची जी, ऐसी बात ना है, गुगू ने तो हमसे कुछ ना कही, वो तो हमें समझा रहे थे, कहा कि हम ना आपकी बड़ी दीदी जैसा हूँ, मतलब मैं ना आपकी बड़ी दीदी जैसी हूँ ना, तो फर्ज बनता ना समझाने का। हम सच बता रहे इलायची जी, जस्सी ना एक नंबर का घटिया कामचोर लीचड़ आदमी है, दुनिया में जितनी गंदी गंदी गाली बनी ना सब उसके लिए बनी, हम तो उसका नाम भी। बस पिंटू भाभी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे आप कुछ नहीं बोलेंगे और दूसरा भी कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जस्सी से मोहब्बत करने लगी हूँ, और बस जब सच्ची मोहब्बत होती है ना ये लोगों को, तो वो कुछ भी कर सकती है, वो लड़ सकती है, गर्दन मरोड़ सकती है, अरे बल्कि घूर भी कर सकती है। अरे यार फिर हमें ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, चिल करो यार थोड़ा। बेचारा तू भी कंफ्यूज है क्या? यार रीलू ये सब छोड़, मुझे ना एक टेंशन हो गई है कि जस्सी ना मुझे थोड़ा सा ना गड़बड़ टाइप का आदमी लग रहा है, धीरे धीरे अपनी गेम खेल रहा है, तुझे नहीं लगता? खेलने दे गेम, वैसे जो वो गेम खेल रहा है ना उसमें उसकी अम्मा लगती हूँ मैं। अरे खुद मुंह के बल गिरेगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चिल। अमेरिका में तूने अपने नया बाप कब खरीदा? या फिर किसी गोरे ने तुझे गोद ले लिया? देख भाई ऐसी कोई बात नहीं यार, वो यार सेठ जी ने अचानक बाप के लिए पूछ लिया ना, तो यार मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, अब यार बोल दिया तो बोल दिया, पर अब बाप कहाँ से लाऊं यार। मेरे पास एक आइडिया है, तू ना जहर खा और मर जा, ऊपर जाके आराम से अपने बाप को मनाइयो कि चलो थोड़ी देर के लिए नीचे चलो हमारी शादी करा दो। दो मिनट रुक जा यार, हर बार अपनी साइकिल लेके ना बीच में घुस जाता है, चुप नहीं रहा जाता तेरे से। पंचू यार तू तो मेरा दोस्त है ना? दोस्त? लेकिन तू तो मेरा दुश्मन है ना भाई। वो तो मैं तेरा हूं ना, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है ना। पंचू भाई प्लीज मेरा बाप बन जाना यार। अबे ओए साले, मेरा पति है वो, और मेरा पति किसी का बाप ना बनेगा, फालतू की बात ना करे यहाँ पे, नहीं उठा के यहीं पटक दूंगा अभी। पिंटू तूने ये सोचा भी कैसे कि जो लड़की मेरी बीवी हो सकती थी उसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा? तेरे दिमाग में ऐसे घटिया ख्याल आया कैसे? अबे साले तेरा दिमाग है या गटर, मलबे जैसी सोच है तेरी, अथू। ओ भाई तू आदमी पजामा, बार बार अपनी गाड़ी लेके नो एंट्री में घुस जाता है, चुप रहना यार। देख पंचू यार मैं मानता हूँ कि तू मुझसे नाराज है, पर तू ही बता यार, अगर मैं इल्लू जी से रिश्ता तोड़ दूंगा तो पापा, मेरे कहने का मतलब यार सेठ जी तेरे जैसे यार फक्कड़ मक्कार आदमी के साथ अपनी इल्लू की शादी करेंगे? ठंडे दिमाग से सोच यार, ना तो तेरे पास पैसे है ना रहने के लिए घर, इल्लू जी को कैसे खुश रखेगा तू? हाँ अपने दिल पे हाथ रख यार एक बार, क्या तू नहीं चाहता कि इल्लू जी खुश रहे अपनी जिंदगी में? अबे ओ साले जस्सी, चार दिन अमरीका में रह के तू यहाँ हमसे उस्तादी झाड़ रहा है, ये इमोशनल गोली ना चला, सब समझते हम तेरी बातें, समझा? पिंटू बेटा प्यार में सुन ले भाई, तू भी प्यार में ना लोग रूखी रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं, नमक मिर्च से गुजारा कर लेते हैं। बस कर पिंटू, क्या गलत कह रहा है यार वो, मैं इलायची जी के मुंह से हलवे जैसी तकदीर छीन कर उन्हें ये नमक रोटी पर नहीं ला सकता यार, मैं उन्हें इस गरीबी के दलदल में नहीं ला सकता, और शायद नहीं लिखा यार, किस्मत में ही नहीं लिखा है, नहीं मिल सकता मुझे इलायची जी का प्यार, और ये सच है, और जो भी इलायची जी की खुशी है मैं वो करूंगा, और जैसी
मैं तेरा बाप बनने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे तैयार है यार, फालतू की बात कर रहा है, प्यार तो तूने भी किया ना। हाँ मोहब्बत की है, प्यार किया है, तभी फर्ज निभा रहा हूँ और अपने प्यार को सही जगह भेज रहा हूँ बस। सही जगह पहुंचाना, ये है सही जगह। जस्सी बहुत बड़ा वाला निकला तू भाई। बात पक्की हो जाए प्रभु। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, सुबह पेट साफ ना हुआ क्या, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? तुझे क्या लगता है मुझे हर समय पेट की फिक्र रहती है? अरे पहली बार आप समझी जी आ रहे हैं, इंसान की भी तो फिक्र हो सकती है, बात कर रही बेकार की। इतना बड़ा दिल है इलायची के पापा तुम्हारा, अभी से फिक्र हो रही है इलायची के ससुराल वालों की, हा? कि इलायची पता नहीं जाके उनके साथ क्या सलूक करेगी। अरे इस बात की फिक्र ना हो रही है, देख मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है। पापा जी ये मेरे वो वाले पापा है जो बचपन से मेरे पापा है, और पापा जी ये मेरे पापा है ना होने वाले पापा जी है। मेरे पापा को ना पैर छूने का बहुत शौक है, ये बहुत संस्कारी पापा है मेरे। आप बैठिए समधी जी, बैठिए। जरूर जरूर जी, बैठो बैठो बेटा। बढ़िया लगा जी मुरारी जी आपसे मिलके। बढ़िया बढ़िया, अच्छा घर है जी आपका, बहुत बढ़िया जी। और बताइए आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं होनी जी, हमारा पुत्र इतने अच्छे माल पे हाथ साफ कर रहा है, इससे अच्छी बात क्या है जी, हमारी तो छाती ऐसे घर से फूल रही है जी, बहुत बढ़िया लगा हमें, बहुत खुशी है जी। और जी हमारे कहने का मतलब ये है आप गलत समझ गए, वो क्या है जी हम जो है बिजनेसमैन है जी, तो हमारे लैंग्वेज में ना ऐसे चलता है माल पहे, हम ना ऐसे बोलते रहते हैं हमारे शब्द हैं जी। अरे वाह, फिर तो मेरी और आपकी खूब जमेगी। अरे करू तू बैठी हुई है, अरे दवा जी के लिए और उसके पापा के लिए नाश्ता वास्ता लेके आ। एक काम करिए जी, आप हमारे लिए तो चाय ले आइए, और जैसी तू क्या लेगा, ओहो इसके तो जी शराब का टाइम हो गया, ओहो अब क्या करें शराब, ओहो। अच्छा जी एक काम करिए, दो निक्के निक्के शॉट ले आइए जी, वो उसमें बर्फ भी मत डालिएगा, वो कहना जी बच्चे को जुखाम हो जाता है ना जी, चलो पुत्र पी लियो। पापा ये क्या बोल रहे हो आप? और पुत्र यार तेरे को बोला ना यार, फिक्र मत कर, इनसे क्या छुपाना है यार, ये तो तेरे होने वाले ससुर हैं, इनसे नहीं शर्माना बेटे। हाँ जी बोलिए जी। आपका बेटा पीता है? और तमीज से बात करिए समझी जी, मेरे बेटे को शराब की कोई लत नहीं है जी, पहले तो वो शराब को छूता भी नहीं था, वो तो जब हमारा डांस बार खुला तब जाके इसने रोज शाम को टिकानी शुरू कर दी जी। पापा हाय, मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं तेरी बात संभाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू पापा 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 करी जा रहा है। मैंने बोला क्या, मैंने यही बोला है ना कि तू शराब पीता है, मैंने आपको ये थोड़ी ना बताया कि बार में इसका चक्कर चल गया था जी लड़की के साथ, फिर उसने इसको लात मारी, उसके बाद इसका दिल टूट गया जी, उसके बाद इसको शराब की लत पड़ गई जी, गधे का बच्चा है जी, एक नंबर का जी ये। डांस बार की लड़की के साथ चक्कर? ओ जी अब क्या करें जी, बड़ा पोला है जी मेरा पुत्र, वो क्या हुआ ये वहाँ पे कभी कभार जुआ खेलने जाता था, तो जो वहाँ पे जो लड़की थी उसने इस पे डोरे डालने शुरू कर दिए जी। चूहे का भी शौक है? ओ बहन जी इसका कोई शौक नहीं है जी, कभी कभार जाता था वो भी नशे पत्ते के कारण जी। नशा पत्ती भी करता था ये? ओ जी घबराने की कोई लोड़ नहीं है जी, आज की तारीख में जो मेरा पुत्र है लगभग सुधरा हुआ है जी। लगभग का क्या मतलब है भाई? और देखिए सुधरे हुए के आसपास जो होता है वो होता है लगभग सुधरा हुआ जी। मेरे तो भाग ही फूट गए। और देखिए जी आपके भाग फूटे नहीं है जी, आपके भाग खुले हैं, देखिए ऐसे हीरे जैसा दिमाग मिला है जी आपको। तो आप मुझे बस ये बताइए कि शादी की तारीख कब रखनी है, वो क्या है जी इसकी दूसरी तारीखें भी लगी हुई है ना जी। दूसरी तारीख मतलब? और जी वो क्या हुआ था, ये गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका चला गया, तो वहाँ की जो पंजाब पुलिस थी उन्होंने इसे पकड़ लिया जी, तो अभी क्या है कि हर महीने हाजिरी लगाने जाता है जी थाने। अरे चुप रहिए आप, ऐसे बिगड़े हुए लड़के को आप ही रखिए, हमें ना चाहिए ऐसा लड़का, कोई शादी बात ही ना होगी। पापा जी आप बात खबरदार। अय्या अरे मत बोल मुझे पापा पापा, बात कर रहा है बेकार की। वो तो अच्छा हुआ
कि तेरे पिताजी ने तेरी सारी पोल खोल दी। पर ना मेरी बेटी की तो एनआरआई लड़के के लालच में जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ जी, कहाँ हो रखा है जी वो विदेश से आया हुआ दूल्हा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ओहो, तो मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी ने तो अब तक बोला भी नहीं कि हैंड्स अप, और ये है कि हैंड्स अप होके खड़ा हो गया। वाह वाह वाह। इलायची, क्या है ये सब? पापा, ये जस्सी अमेरिका से नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे तो आगरा की पुलिस पड़ी हुई है। ये फ्रॉड है। अरे भले घर में जाकर लोगों को फंसाता है, एनआरआई बनके ना लूटता है। जस्सी, अब देखना, जेल की हवा खाएगा तब तुझे पता चलेगा। पिंकी, इसके बाप को भी अरेस्ट कर ले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि इसके बाप को धर लेते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.